हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मनीष रंजन बुक से पेज नंबर 505। और पर डे हम आपको दो वीडियो देंगे, एक झारखंड जीके का वीडियो देंगे और एक झारखंड करेंट अफेयर का वीडियो देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। और फ्रेंड, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा। और पर डे आपको एक जीके जीएस का जो दोपहर में देंगे आपको, और करेंट अफेयर का आपको झारखंड करेंट अफेयर का मतलब इवनिंग के समय देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय पाल शासक के समय फल फूल रहा था झारखंड में? तो था वर्जयान, है ना। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कंपनी सरकार के विरोध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? तो ये किया था हो जनजाति। किसने किया था? तो हो जनजाति। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1872 में हुआ था। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजाति नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो 1929 ईस्वी में किसान सभा गठन टेबल उराव किया था। आते हैं पंचवा नंबर क्वेश्चन, तो पंचवा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में किस कर्म की चट्टान का अभाव है? तो यहाँ है कड़प्पा कर्म का। आते हैं हम छठा नंबर क्वेश्चन में, तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हजारीबाग में। आते हैं मंझाइन एक साथ लिखा हुआ है, वो हल्का गैप आ गया है। तो मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो ये गाया जाता है बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। कौन? मंझाइन गीत, लोकगीत। आते हैं अंठवा नंबर क्वेश्चन, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मांडरी टुंडो कोठरी के लेखक कौन है? मांडरी टुंडो कोठरी के लेखक कौन है? हम इसको हाईलाइटेड करते हैं, एक सेकेंड। मांडरी टुंडो कोठरी का लेखक कौन है? तो ये लेखक है इसका, पूछ सकता है VVI, मन मसाही मुंडा है ना। आते हैं नौवां नंबर बोला है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सा मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होती? तो ये होती है लेटराइट मिट्टी। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। आते हैं दसवां नंबर, मसाले की खेती झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक की जाती है? तो ये की जाती है आपका पलामू में। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अभ्यारण किस जिला में है बताइए? तो ये है आपका कोडरमा में। कहाँ है? तो कोडरमा में। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका रांची में, है ना। और फ्रेंड, टोटल क्वेश्चन मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं या मेरा फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं। झारखंड जी के नाम से आएगा या सुमन क्लासेस से नाम से आएगा, तो टेलीग्राम का नीचे हम लिंक दे दिए हैं। और फ्रेंड, और आगे आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए, हमको कॉमेंट कीजिए। आते हैं 13 नंबर में, तो झारखंड में भारत के कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37%। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था जमशेदपुर में। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, राजा मान सिंह राजमहल
स्थित नया नगर का क्या नाम रखा था? यहाँ क्वेश्चन में गलत हो गया है, एक सेकेंड, एक गलती है। राजा मान सिंह ने था, है ना। राजमहल स्थित नया नगर का क्या नाम रखा था? राजा मान सिंह ने राजमहल के स्थित नया नगर का क्या नाम रखा था? तो ये रखा था अकबर नगर, है ना, अकबर नगर, अकबर नगर नाम रखा था। आते हैं हम अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन बताने से कुछ हम बता दें क्योंकि कुछ छूट रहा है। नहीं नहीं सही है ना, वहाँ ने होगा, वो गलती से हो गया। तो राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नया नगर का क्या नाम रखा था? तो ये रखा था अकबर नगर, है ना, अकबर नगर। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। तो मुंडा उलगलन मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया? तो दमन किया था कमिश्नर फरबेस, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड ने किया था। और 17 नंबर है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो जयपाल सिंह का वेनंद पाहन नाम था। क्या नाम था? वेनंद पाहन नाम था। आते हैं 18 नंबर में, तो बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तय किया गया था 1974 में। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट में कितना सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये है आपका 5 सीट। कितना सीट? तो 5 सीट। आते हैं आज का लास्ट सवाल, 20 दिसंबर 2004 ईस्वी से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबा समय तक पद पर बने रहने वाले पुरुष राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सैयद शिफ्ते रजी, है ना, सैयद शिफ्ते रजी। और एक बात हम बता दें कि अभी झारखंड का सबसे लंबा समय तक राज्यपाल रहने वाले द्रौपदी मुर्मू बन गए हैं, ना, द्रौपदी मुर्मू बन गए हैं, और वो प्रथम आदिवासी महिला हैं राज्यपाल बनने वाली, और प्रथम झारखंड का प्रथम महिला भी, है ना। और वो 5 साल से भी ज़्यादा मतलब रह रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब समय पूरा हो गया, उसके बाद भी वो अभी मतलब रह रहे हैं लॉकडाउन के कारण। तो फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में समय आप घर पे हैं या जहाँ भी हैं अभी पढ़िए, क्योंकि बहाली आएगा तो और मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोग मतलब पूरा दिल लगा कर पढ़िए, क्योंकि ऐसा समय में आपको एक ही है, मेहनत। मेहनत जितना हो सके उतना करिए, और आप और ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आपको समय मिल गया पढ़ने का, तो आप लोग मेहनत करने में कमी मत कीजिए। ये मत देखिए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, आप तैयार रहिए, तैयार रहिएगा तो उसके बाद ही ना तो एग्ज़ाम निकलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।